आजकल के तो अखबार पढ़ने ही नहीं चाहिए। कहीं खून हो रहे हैं तो कहीं औरत के खिलाफ जुर्म। पता नहीं कब सुधरेगा ये समाज। अरे इस वक्त कौन आ गया? कौन है? पार्सल? कमाल है, कोई पार्सल का कोरियर छोड़ गया और दस्तखत भी नहीं लिए। देखने में तो काफी पुराना लगता है। किसने भेजा होगा ये मेरे लिए? क्या होगा इसके अंदर? इंसान की उंगली? किसने भेजी है ये मेरे लिए? पता नहीं किस बेचारे आदमी की उंगली है ये। मेरे तो अभी भी हाथ पैर कांप रहे हैं इसे देख के। हो सकता है ये उंगली किसी औरत की भी हो। लगता है ये सड़े नहीं, इसलिए किसी केमिकल में रखा है इसे। इसके अंदर कुछ कागज है, देखो। अभी तो सिर्फ उंगली भेजी है, अगर पैसे नहीं मिले तो अगली बार इस आदमी का सर भेजूंगा। रैंसम नोट, आदमी का सर भेजूंगा, आदमी का? तो इसका मतलब है ये उंगली किसी औरत की नहीं, आदमी की है। मयूरी, क्या तुम्हारे घर में कोई अगवा हुआ है? कोई अगवा नहीं हुआ है सर, मैं तो अकेली रहती हूँ। और आपके पति? उनकी मौत 5 साल पहले ही हो गई थी, दिल के दौरे से। क्या उनकी मौत से पहले उन्हें कभी अगवा किया गया था? जी नहीं, कभी नहीं। और जब उनकी मौत हुई तो उनकी सारी की सारी उंगलियां सही सलामत थी। तो फिर ये उंगली तुम्हें भेजी किसने? सब कुछ धुंधला धुंधला सा है, नाम तो बुरी तरह से मिट गया है। कुरियर का स्टैंप है, तारीख है जनवरी 2011। 2011? 2 साल पहले? 2 साल पहले उंगली काटी गई थी और अब जाके पहुंची है पते पे। पर जनवरी 2011 में तो मैं इस घर में रहती भी नहीं थी। ये घर मैंने 14 फरवरी 2011 को खरीदा था। अच्छा, तो तुम्हारे पहले तुम्हारे इस घर में कौन रहता था? घर का पुराना मालिक कौन है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो आदमी आया था वो संजय नाम का ब्रोकर था, उसी ने मुझे ये घर दिलवाया था। कहीं संजय ने तो ये सारा चक्कर नहीं चलाया सर? हो सकता, कहाँ मिलेगा ये संजय? उसका अता पता है तुम्हारे पास? हाँ सर, मीरा नगर में। मीरा नगर? इस संजय को उठाना पड़ेगा मीरा नगर से। और ये कुरियर वाला, इसके तो कान खींचने पड़ेंगे। बिना चेक किए कटी हुई उंगली भेजता है। एक आदमी की कटी हुई उंगली भेजी गई है आपके पार्सल में से। पार्सल में आदमी की कटी हुई उंगली? वो भी असली उंगली सर? हाँ, असली उंगली। और वो पार्सल गया तुम्हारी कुरियर कंपनी से। ऐसे कैसे हो सकता है सर, हम सारे पार्सल चेक करके लेते हैं। बिना चेक किए हुए पार्सल नहीं लेते तो ये कटी हुई उंगली दिखाई नहीं पड़ी? वो भी 2 साल पुरानी। 2 साल पहले? हाँ, 13 जनवरी 2011 की डेट लिखी है उस पार्सल पे। मतलब सर उंगली 2 साल पुरानी थी? हाँ, उंगली 2 साल पुरानी है मगर पहुंची आज है अपने पते पे। सर ये सब क्या हो रहा है, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है सर। सब समझ में आ जाएगा। 2 साल से ये पार्सल कौन से कोने में दबा के रखा था तुम लोगों ने? सर पार्सल पर भेजने वाले का नाम क्या लिखा था? भेजने वाले का नाम मिट गया इसीलिए तुम्हारे पास आए हैं। अपना रिकॉर्ड चेक करो और बताओ असली बात क्या है। सर रिकॉर्ड चेक करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे पास रिकॉर्ड सिर्फ 8 महीने तक का ही है। सिर्फ 8 महीने का रिकॉर्ड? जी सर। 8 महीने का हो या 10 महीने का, ये सब छोड़ो तुम। ये बताओ आज सुबह ये पार्सल तिलक नगर कौन लेके गया था? सर तिलक नगर तो मोहन गया। मोहन कहाँ जा रहे हो? इधर आ, इधर आ। तुम लेके गए थे ये पार्सल?
जी सर। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे सचमुच में पता नहीं था कि उस पार्सल में कटी हुई उंगली थी। पता रहता तो उस पार्सल को उस घर के बाहर कभी नहीं रखता सर। और दो साल से ये पार्सल कहाँ छुपा के रखा था, अब ये भी बताने का कष्ट करो। दरअसल आज सुबह, अरे मोहन जरा नीचे वाला पार्सल हटा के उसे उठा ले। हाँ हटाता हूँ। ये रहा पार्सल। अरे ये क्या है, ये किसका पार्सल है? इसमें तो बहुत धूल लगी है। हाँ बहुत धूल है, पता नहीं कितने दिनों से पीछे पड़ा होगा। मुझे लगता है इसके बारे में बॉस को बताना चाहिए। अरे नहीं नहीं, बॉस को बताएंगे तो फंस जाएंगे, हो सकता है किसी का जरूरी सामान हो। ऐसा करते हैं पहुंचा देते हैं। ठीक है। कौन कौन देने आया था ये पार्सल यहाँ पे? ताले लग गए सर, सबके मुंह बंद है। ये सीसीटीवी कैमरा, ये कैमरा चालू है? यस सर। दो साल पहले भी चालू था? जी सर। 13 जनवरी 2011 की फुटेज चेक करनी हमें। और ये मत कहना कि उस रिकॉर्ड की तरह ये फुटेज भी सिर्फ 8 महीने का है। नहीं नहीं सर, फुटेज है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ सर। आंख बंद करके ले लो ये घर, भाभी जी खुश हो जाएंगी। अच्छा ये घर ऐसा है फिर नहीं मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं अरे भाई बिल्कुल संभल के खरीदना घर इनसे, क्योंकि इन्होंने बिकवाए हुए घरों में कुरियर वाले कटी हुई उंगली देकर जाते हैं, है ना? कटी हुई उंगलियां? बैठिए बैठिए आप, मैं घर बिकवाता हूँ, कटी हुई उंगलियां नहीं। 13/26 बसंत मार्ग तिलक नगर, ये घर आप ही ने दिलवाया था ना? बहुत सारे घर बिकवाए हैं लेकिन ऐसा कैसे याद रहेगा? फरवरी 2011 में ये घर आपने किसी मयूरी को दिलवाया था। आपको घर खरीदना है क्या? मैं मयूरी से बात कर सकता हूँ। आप पहले हमसे बात कीजिए, हम CID से। CID? या CID। CID? मैं बाद में आता हूँ। अरे सुनो तो सही। आप हमारी बात सुनिए, ये बताइए कि मयूरी से पहले ये फ्लैट किसके नाम पे था? ये घर मिताली और रणबीर कुमार के नाम पे था। मिताली और रणबीर, तो क्या इन्होंने ये फ्लैट बेच दिया? हाँ। क्यों? वो क्या है सर, अचानक एक दिन वो आए और बोले उनको पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मैंने बिकवा दिया। मिताली और रणबीर को ऐसी पैसों की क्या जरूरत पड़ गई होगी कि घर बिकवाना पड़ा? वही तो। एक बात बताइए, ये घर बेचने के लिए क्या ये दोनों आए थे, मिताली और रणबीर? रणबीर नहीं था सर। रणबीर नहीं आया था, तो इसका मतलब है सिर्फ मिताली ही आई थी। वो दरअसल बात ऐसी है कि रणबीर शहर से बाहर गए हुए थे और मिताली ने ही अकेले सारे कागजात पर दस्तखत कर दिए थे। सारे कागजात पर मिताली ने दस्तखत किए। अच्छा ये बताइए कि मिताली के मुंह से कुछ भी अजीब सा सुना था आपने? कुछ भी नहीं सर। नहीं नहीं, मतलब इनके पूछने का मतलब है कि क्या मिताली जब घर बेचने आई थी तो वो परेशान लग रही थी, यू नो? हाँ सर, कोई इतना बढ़िया घर बेचेगा तो वो इंसान थोड़ा परेशान और दुखी तो होगा ही ना। हाँ वो तो होता ही है, होता ही है। वैसे क्या आपको पता है अब मिताली कहाँ रहती है? हाँ सर याद आया, कमल अपार्टमेंट्स। वो घर शायद मैंने ही दिलवाया था। कमल अपार्टमेंट्स, थैंक यू संजय जी, कमल अपार्टमेंट्स। सर हमारी कुरियर कंपनी में ताला तो नहीं लग जाएगा ना सर? काम तो ताला लगाने लायक ही किया है, फुटेज दिखाओ आगे। यस सर। तो वही पार्सल है। पॉज करो। तो तुमने लिया था वो पार्सल, क्या नाम है तुम्हारा? सर कुणाल। क्यों पार्सल लिया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। इस फुटेज में साफ साफ दिख रहा है उस लड़की से पैसे भी लिए थे तुमने। मुझे माफ कर दीजिए सर, पैसों की जरूरत थी सर। पैसे के लिए हमारी कंपनी बेच देगा? इधर आ, पेटी लेके आओ इसे। चलो ये देखो कौन है ये लड़की।
सर मैं नहीं जानता। पहले कभी देखा? नहीं सर। जानता नहीं, पहचानता नहीं और पैसे ले लिए, हैं? तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, समझे? अब जरा इस लड़की पे जूम करिए। यस सर। रेडी? इस लड़की के नाखून देखे तुम? अच्छा, मैं तुम्हें एक ईमेल भेज रही हूँ जिसमें हमारे सारे क्लाइंट्स के नाम और नंबर हैं। पिछले साल हमें कौन से क्लाइंट की वजह से कितना मुनाफा हुआ है, उनकी सारी डिटेल्स मुझे ईमेल करो। अच्छा, दरवाजे पर कोई है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। जी आप लोग, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। लेकिन हमने आपको पहचान लिया, मिताली है ना? जी मैं तो मिताली हूँ, लेकिन आप लोग मेरा नाम? हम सीआईडी से। सीआईडी? वही सीआईडी जो मुजरिमों को पकड़कर सजा देती है। अब तक हमने तो इसी सीआईडी के बारे में सुना था, कोई दूसरी सीआईडी भी है क्या? माफ कीजिएगा, कभी सोचा नहीं था कि सीआईडी के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, इसलिए परेशान हो गई। मिताली जी, परेशान तो वो लोग होते हैं जिन्होंने कोई जुर्म किया है। जुर्म? और मैंने? मैंने क्या जुर्म किया है? अगर आपने जुर्म नहीं किया तो फिर आप कुछ छुपा रही हैं? मैं क्या छुपाऊंगी आप लोगों से? 2 साल पहले आपके पति अगवा हो गए थे, आपने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? मेरे पति अगवा हो गए थे, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? भगवान न करे कभी रणबीर के साथ कुछ ऐसा हो। क्या हुआ मिताली, किससे बात कर रही हो? रणबीर, ये लोग सीआईडी से आए हैं। सीआईडी? हाँ, और ये लोग कह रहे हैं कि तुम 2 साल पहले अगवा हो गए थे। 2 साल पहले मैं अगवा हो गया और मुझे ही पता नहीं? सर सुबह सुबह कोई और मिला नहीं बकरा बनाने के लिए? या कोई मजाक करने नहीं आए हम लोग, समझे आप? 13/26 वसंत मार्ग तिलक नगर, उसी पते पर रहते थे ना तुम लोग 2 साल पहले? सर वो हमारा पुराना घर था, तो उससे क्या संबंध? 2 साल पहले आपके उसी घर पे एक पार्सल भेजा गया था, आपको मालूम है उस पार्सल में क्या था? क्या? एक कटी हुई उंगली। कटी हुई उंगली? हाँ, एक कटी हुई उंगली और उसके साथ एक धमकी भरा खत जिसमें लिखा था कि अगवा करने वाले को अगर तुमने पैसे नहीं दिए तुम्हारी जान चली जाएगी। मेरी सारी उंगली सही सलामत है सर, ये देखिए सर, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी सर, वो पार्सल किसी और का होगा सर। रणबीर जी, अगर पार्सल किसी और के लिए होता तो फिर वो उसी घर पे कैसे पहुंचा, आपके पुराने घर के पते पर? उस पे हम दोनों में से किसी का नाम लिखा है क्या? पार्सल 2 साल पुराना था इसलिए नाम मिट गया उस पे से। तो वहाँ किसी और का भी नाम हो सकता था, और आप 2011 का पार्सल हमारे यहाँ 2013 में क्यों ला रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि पार्सल आज ही पहुँचा आपके पुराने घर पर। क्या 2 साल पुराना पार्सल आज पहुँचा है? तो सर आप कुरियर वाले से पूछिए ना कि ये पार्सल आज क्यों पहुँचा है और किसने भेजा, किसके लिए भेजा। वो तो हम पता कर ही लेंगे कुरियर वालों से, लेकिन एक बात बताइए, आपने वो पुराना घर बेचा क्यों? सर आपका कहने का क्या मतलब, इस जुर्म में हमारा हाथ? आपका हाथ है या नहीं ये तो तभी पता चलेगा ना जब आप हमारे सवालों का जवाब ठीक ठीक देंगे। सर मेरे बिजनेस में नुकसान हुआ था इसलिए हमने वो घर बेचा ताकि कर्जा चुकता कर सके, इसलिए हमें इस घर में रहने आना पड़ा। ओ सचिन, मतलब इन बेचारों को धंधे में इतना घाटा हुआ कि ये दोनों भी बेचारे इस छोटे से घर में आके रहने लगे है ना, इस छोटे से घर में। वो दरअसल, वैसे रणबीर जी आप बिजनेस क्या करते हैं? सर मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और जब से इस घर में आए हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए। लकी घर है ना, लकी घर। यस सर। वैसे मिताली जी आप क्या काम करती है? जी मैं RM कॉल सेंटर की बॉस हूँ पिछले 3 साल से। कॉल सेंटर की बॉस है मिताली जी पिछले 3 सालों से, बड़ी अच्छी बात है। चलो आप लोगों की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो फिर से मुलाकात भी होगी।
सर ये रणबीर कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा? सर कटी हुई उंगलियों की बात मुंह से निकली भी नहीं कि उसने अपने हाथ आगे कर दिए। रणबीर कुछ जानता है, शायद इस रणबीर का किडनैप हुआ होगा और इसे जहाँ पे पकड़ के रखा गया था वहाँ पे उसने किसी तरह से किसी की उंगली काट के भेज दी। और जब ये पूरा मामला ठंडा हो गया उसके बाद ये पति पत्नी रणबीर और मिताली ने अपने घर भेज दिया और निकल गए। और फिर जिसकी उंगली काट कर भेजी थी इन लोगों ने उसके घर वालों से पैसों की मांग भी की होगी। अगवा किया तो पैसों की मांग तो की होगी। इन दोनों को कुछ तो मालूम है। इन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि 2 साल के बाद वो पार्सल अचानक आ जाएगा। वो पार्सल मयूरी के घर में एक लड़की ने भेजा था दया। तो अगवा करने वाली लड़की? हाँ। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में उस लड़की का चेहरा तो नहीं दिखा पर उसके हाथ दिखाई दिए और उसके नाखून काफी इंटरेस्टिंग थे। ऐसा क्या था उसके नाखूनों में? नाखून काफी सजे सवरे हुए थे, नाखूनों पे नेल आर्ट किया हुआ था। नेल आर्ट? हाँ सर, रंग बिरंगी नेल आर्ट, लाल और हरे रंग लगा रखे थे उसने अपने नाखूनों पे और उसपे सफेद रंग के डिजाइन भी थे। सर मिताली के नाखूनों पे भी नेल आर्ट है। कहीं ये सब मिताली और रणवीर का ही चक्कर तो नहीं है? पैसों का झोल झाल होगा। पर वो उंगली असली है, किसी जीते जागते आदमी की उंगली काटी गई है, पता नहीं वो आदमी जिंदा भी है या नहीं। 2 साल बाद फिर भी देखना तो पड़ेगा ही। श्रेय काम करो, ये मिताली श्यामनगर में रहती थी, पता करो 2 साल पहले श्यामनगर में किसी का किडनैपिंग हुआ था क्या। सर ये पार्सल जिस घर में आया वहां पे एक लड़की रहती है मयूरी, और जो लोग पहले रहते थे वहां पे उसमें भी एक लड़की है मिताली, और इस मिताली ने अपने नाखूनों पे नेल आर्ट कराया हुआ है। और जिसने पार्सल भेजा वो भी एक लड़की ही है और उसके नाखूनों पे भी ये नेल आर्ट बना हुआ है, और ये आदमी रणबीर उसके उंगलियां से ही सलामत है। सर सब मिल गया। 2 साल पहले श्याम नगर से रितेन नाम का एक आदमी गायब हुआ था। रितेन? कहीं ये रितेन ही तो नहीं जिसकी उंगली काटी गई है? इस रितेन के घर वालों से मिलते हैं। जी कहिए। ये रितेन का घर है ना? जी हाँ, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं। मालूम है, 2 साल पहले। आपको पता है आप लोग है कौन? मैं हम लोग सीआईडी से, एसीपी प्रद्युमन नाम है मेरा। ओ सीआईडी से। सर मैं स्निग्धा हूँ, रितेन की पत्नी। सर रितेन के बारे में कुछ पता चला? स्निग्धा सॉरी मगर रितेन के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला। हाँ एक उंगली मिली है, मेरा मतलब है एक इंसान की कटी हुई उंगली। कटी हुई उंगली? जी। कहीं वो कटी हुई उंगली रितेन की तो नहीं? देखिए स्निग्धा जी, हमें अभी तक ये नहीं पता चला है कि वो कटी हुई उंगली रितेन की है या नहीं। और किसी ने वो उंगली 13x26 बसंत मार्ग तिलक नगर पर भेजी। 13x26 बसंत मार्ग? लेकिन इसका रितेन से क्या संबंध है? उस एड्रेस पर मिताली और रणबीर ये दोनों रहते हैं। क्या आप जानते हैं इन दोनों को या फिर आपने कभी नाम सुना है इन दोनों का? कहीं आप मिताली कुमार की तो बात नहीं कर रहे? हाँ वही मिताली कुमार है। मिताली कुमार तो रितिन की बॉस है, रितिन उसी की कॉल सेंटर में काम करता था। रितिन मिताली के साथ काम करता था और मिताली रितिन की बॉस थी? जी हाँ। आसान के? अच्छा ओ ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। ओके सिद्धा, हमारे फोरेंसिक लैब में से फोन था, वो जो कटी हुई उंगली है वो जिस आदमी की भी है वो डायबिटीज का मरीज था। डायबिटीज? जी हाँ डायबिटीज। हे भगवान, इसका मतलब है वो उंगली रितिन की थी। मतलब रितिन को डायबिटीज था? अगर ये कटी हुई उंगली रितिन की है तो फिर वो मिताली के पुराने एड्रेस पर कैसे पहुंची? इस मिताली को बहुत सारे सवालों का जवाब देना होगा। कम्युनिकेशन, जब भी आप लोग अपने क्लाइंट के साथ फोन पे बात करें तो उन्हें आपकी पूरी बात समझ में आनी चाहिए। कम्युनिकेशन ही सब कुछ है। अब मुझे कौन बताएगा कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? मैम कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत करना,
गलत। बातचीत करना यानी कॉन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं कौन बताएगा? मैम कम्युनिकेशन का मतलब है सच बोलना। कम्युनिकेशन का मतलब है सच बोलना, पूरा सच बिना किसी पर्दे के, है ना मिताली जी? आप लोग फिर से, थोड़ा सरप्राइज, कैसे आना हुआ? हमारे यहाँ आने की वजह सबके सामने सुनना चाहती हो या? आप लोग प्लीज जाइए। सर पता चला वो उंगली किसकी थी? हाँ उंगली रितेन की है, रितेन की। रितेन कौन? कौन रितेन? रितेन को नहीं जानते आप? नहीं। शक्ल तो याद होगी तुम्हें, हैं? रेडी जरा दिखाओ। अब याद आया कुछ? ये नहीं, नहीं याद आ रहा है? तो चलो मैं याद दिलाता हूं, ये वही रितेन है जो 2 साल पहले यहीं पर काम करता था, इसी कॉल सेंटर में तुम्हारे साथ। हाँ 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 सर, अब याद आया मुझे। तब भी मैं कहूँ ये चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? हाँ राइट, ये हमारे ऑफिस में काम करता था। बड़ी जल्दी याद आ गया सर। मिताली मैडम, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। 2 साल हो गए इसे हमारे ऑफिस छोड़े हुए, तो दिमाग से इसका नाम और शक्ल मिट सा गया। इसी की उंगली थी वो? हाँ इसी रितेन को पहले अगवा किया गया, फिर उसकी उंगली काटी गई और फिर उस उंगली को पार्सल में डालकर कोरियर के जरिए तुम्हारे घर भेजा गया पैसों के लिए। पैसों के लिए? मगर वो उंगली तुमने ही भेजी थी ना? मैंने? तुमने और तुम्हारे पति रणबीर ने। सर ये आप क्या कह रहे हैं, हम लोग ऐसा काम क्यों करेंगे? जिस कुरियर कंपनी से ये उंगली भेजी गई पार्सल के जरिए, उस कंपनी के सीसीटीवी फुटेज में क्लियर दिख रहा है कि जिस लड़की ने वो उंगली उस पार्सल में रखी, उस लड़की की उंगलियों के नाखून तुम्हारे नाखून के जैसे ही है, बिल्कुल तुम्हारे नाखून के जैसे, नेल आर्ट वाले। सर ऐसे नाखून तो न जाने कितनी लड़कियों के होंगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि ये काम मैंने किया है। हमने कब कहा ये सब कुछ तुमने किया? सर जिस किसी ने भी रितेन को अगवा किया है वो जरूर कोई बहुत बड़ा अनाड़ी होगा। वो कैसे सर? क्योंकि अगर ये किडनैपिंग पैसों के लिए की गई है तो किसी अमीर आदमी को किडनैप करना चाहिए था। रितेन तो मुश्किल से महीने का 50-60 हज़ार रुपए कमाता है। वही तो। सर मुझे लगता है ये मिताली अभी भी हमसे कुछ न कुछ छुपा रही है। काम करो, मिताली के फोन रिकॉर्ड निकालो January 10, 2011 के, जिस दिन रितेन गायब हुआ था, पता चल जाएगा वो कितना सच बोल रही है। यस सर। सर मैं आपको बार बार कह चुकी हूँ मेरा इस जुर्म में कोई हाथ नहीं है, तो फिर आप लोग मुझे बुलाकर क्यों परेशान कर रहे हैं? मिताली जी पहले लोग झूठ बोलते थे तो कभी कभी बच निकलते थे, मगर इन फोन रिकॉर्ड ने नाक में दम कर रखा है। जी जी हाँ, झूठ बोलने वालों की नाक में दम। मिताली तुमने कहा कि जिस दिन रितेन गायब हुआ उस दिन वो ऑफिस में आया ही नहीं। हाँ। और तुम उससे मिली नहीं। हाँ यही सच है। झूठ। जिस दिन रितेन गायब हुआ उस दिन तुमने उससे 8 बार फोन पे बात की थी। 8 बार की थी कि नहीं? नहीं नहीं। ये फोन के रिकॉर्ड झूठे हैं, इसमें तुम्हारा नंबर भी लिखा है। नहीं ये रिकॉर्ड झूठे हैं। 8 बार बात करने के बाद रितेन तुम्हारे घर आया, क्यों? नहीं आया था घर और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। ये झूठ है। कहाँ गाड़ी उसकी लाश? मैं नहीं जानती रितेन कहाँ है। सर ये ऐसे नहीं मानेगी, 5 मिनट के लिए मुझे इसके साथ अकेला छोड़ दीजिए, पूरा केस यहीं का यहीं सुलझ जाएगा। मैं रितेन को क्यों मारूंगी, मैं तो उससे प्यार करती थी सर। खून में प्यार या प्यार में खून? नहीं सर, मैं और रितेन एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से ही चाहते थे, मगर मेरे घर वालों ने
मेरी शादी रणबीर से करा दी। और रितेन? उसने स्निग्धा से शादी कर ली। फिर रितेन ने एक दिन अचानक मेरी ही कंपनी में नौकरी कर ली। अच्छा, पुराना प्यार फिर से जाग उठा। और हम दोनों ने सोच लिया कि हम लोग दूर कहीं भाग जाएंगे। क्या बात है, सालों बाद मिले, फिर से प्यार हुआ, उम्मीदें जागी, और इतनी जल्दी भागने की भी सोच ली। इसे कहते हैं अमर प्रेम। उसके बाद क्या हुआ, ये रितेन अकेले ही भाग गया? पता नहीं क्या हुआ सर, मैं उसका शाम तक टैक्सी स्टैंड पर इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया और उसे अपना फोन भी बंद कर दिया। अच्छा मिताली, जब रितेन तुम्हारे घर से गया तो कहाँ जाने के लिए निकला? अपने बैंक जाने के लिए, सारे पैसे निकालने के लिए। कहानी है ये, मनगढ़ंत कहानी बना रही हो। जी नहीं सर, ये कोई कहानी नहीं है। रितेन ने खुद कहा था कि वो अपने बैंक जाकर अपने अकाउंट से सारे पैसे निकलवा कर मुझे देगा, और मैं भी उसे अपने अकाउंट से 25 लाख रुपए निकलवा कर दूंगी। और अगर आप चाहें तो मेरे बैंक में पूछताछ कर सकते हैं। 25 लाख रितेन को दिए? जी सर। रितेन भी गया और पैसे भी? सर पैसे जाने का उतना गम नहीं है जितना रितेन के गायब होने का। कौन सी बैंक में गया था रितेन पैसे निकालने के लिए? DKL बैंक। आइए सर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। सर दरअसल बात यह है कि जो बात आपने मुझसे फोन पर कही थी उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है सर। गड़बड़ है? रितेन ने अपने अकाउंट में से 10 जनवरी 2011 को पैसे निकाले थे ना? सर 10 जनवरी तो क्या, जनवरी 2011 के पूरे महीने में रितेन ने एक बार भी इस अकाउंट से पैसे नहीं निकाले। इसका मतलब रितेन मिताली के घर से उसके पैसे लेके तो निकला, और जब खुद के पैसे निकालने की बारी आई तो गायब। सर मुझे नहीं लगता वो गायब हुआ होगा, क्योंकि पिछले साल 15 जुलाई 2012 को उसके अकाउंट से पैसे निकाले गए। 15 जुलाई 2012? जी हाँ। कितने पैसे निकाले? पूरे 3 लाख सर। 3 लाख रुपए? और ये पैसे रितेन ने ही निकाले ना? सर ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ से पैसे निकाले नहीं गए। तो फिर कहाँ से निकाले? सर हमारी पुणे वाली ब्रांच से पैसे निकाले गए। पुणे वाली ब्रांच में? सर यस सर। मतलब ये मामला पुणे तक पहुंच गया है? मतलब सर ये रितेन पुणे में छुपके बैठा है? Excuse me. जी डॉक्टर तारिका। अच्छा ओके थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर तारिका ने उस पार्सल में से एड्रेस निकाल लिया है, और वो एड्रेस पुणे का है। पुणे का है? हाँ सर, पैसे भी निकाले गए पुणे से, और वो कटी हुई उंगली भी पुणे से आई है। तो फिर पुणे जाने की तैयारी करो। पुणे। पैसे रितेन ने नहीं निकाले सर, पैसे मिताली नाम की किसी लड़की ने निकाले। क्या? जी सर। ये पैसे भी मिताली ने निकाले थे? जी सर, उसके पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी है हमारी फाइल में। अगर कोई 50,000 से ऊपर की रकम निकालता है तो हम उसके पैन कार्ड की फोटोकॉपी रख लेते हैं। ये देखिए सर, पैन कार्ड की फोटोकॉपी तो मिताली की है। विनीत, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मिताली हमसे सारी बातें छुपा क्यों रही? हम उससे 3 बार मिल चुके हैं, फिर भी सारी बातें खुल के क्यों नहीं बताते? क्या वजह हो सकती है? मेरी भी यही समझ में नहीं आ रहा सर, आखिर उसने हमसे ये बात भी क्यों छुपाई? मुझे लगता है कोई उस पर दबाव डाल रहा है। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो हमारा सबसे पहला शक तो उसी पर जाएगा। कोई तो है जो नहीं चाहता कि मिताली हमें सच सच बताए, क्योंकि अगर वो हमें सच बताती है तो शायद वो खुद फंस जाए। हो सकता है सर। फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, पुणे वाला एड्रेस, वहीं चलकर देखते हैं। की हालत तो बहुत खराब है सर, तो लगता है बहुत सालों से कोई रह नहीं रहा है। सर कहीं उस अगवा करने वाले ने इसलिए तो इस घर का एड्रेस लिफाफे पर नहीं लिखा, क्योंकि उसे शायद पहले से ही मालूम होगा कि घर सुनसान है। विनीत, पार्सल 2 साल पहले भेजा गया था, हो सकता है 2 साल पहले यहाँ पर कोई रह रहा हो। गाड़ी भी कब से पड़े पड़े जंग खा रही है। खैर
घर के मालिक ने घर की देखभाल करने के लिए कोई सिक्योरिटी वाला या फिर कोई नौकर तो रखा होता। हाँ सर, वैसे खस्ता हालत में गाड़ी को नहीं छोड़ता, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है सर। हाँ सर, हो सकता है वो अगवा करने वाला रितेन को अगवा करने का गुनाह करने के बाद यहाँ से फरार हो गया हो और अब तक वापस नहीं लौटा। हो सकता है, पड़ोसियों से पूछताछ करना चाहिए। जी मौला है सर, लगता है दुनिया भर के घुमक्कड़ यहीं रहते हैं, कोई अपने घर पर है ही नहीं। यहाँ कोशिश करके देखते हैं, शायद कोई हो अंदर। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली सर। आप लोग इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं क्या? जी नहीं, सीआईडी मुंबई। सीआईडी? क्या बात है सर? सामने वाले घर के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। घर है किसका? वहाँ तो बुजुर्ग जोड़ा रहता था, पति पत्नी। कहाँ गए वो दोनों? घर छोड़ के चले गए क्या? पता नहीं सर, अचानक एक दिन गायब हो गए। अचानक गायब हो गए मतलब? मतलब वो लोग कहीं चले गए, उस दिन के बाद से उन्हें किसी ने देखा नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके साथ में कुछ बुरा हुआ है। तो क्या उनके कोई बच्चे या रिश्तेदारों ने पुलिस कंप्लेंट नहीं फाइल की उनके गायब होने की? वो दोनों अकेले रहते थे, ना उनके कोई रिश्तेदार थे ना बच्चे, इसलिए उनका घर और गाड़ी दोनों लावारिस पड़े हुए है। ना बड़ी अजीब बात, आप जैसे पड़ोसियों ने देखना चाहिए ना, अगर आपके पड़ोस में कोई बुजुर्ग हो तो उनके साथ क्या हुआ है, वो कहाँ गए, पूछताछ करनी चाहिए, उनकी परवाह भी करनी चाहिए। कैसे ये बताओ, कितना समय बीत गया होगा उनके गायब होने के बाद? यही कोई 2 साल। 2 साल मतलब जनवरी 2011। आपको कैसे पता? तुम रितेन को जानते हो? रितेन? कौन रितेन? कहीं उन दोनों पति पत्नी के गायब होने के पीछे उसका हाथ तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये रितेन ही खुद 2 साल पहले गायब हो गया है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रमेश। रमेश, जरा याद करके बताओ, अच्छी तरह से याद करके बताओ, क्या तुम्हें कुछ खास बात याद आती है उन दोनों बुजुर्गों के बारे में? कोई मिलने आता था उनसे गायब होने से पहले? हाँ सर, उनके गायब होने से पहले एक लड़का मिलने के लिए आया था। कौन लड़का? जी नाम तो नहीं पता, पर 6-7 साल पहले वही लड़का उनके घर पे पेइंग गेस्ट के तौर पे रहता था। पेइंग गेस्ट? जी। फिर कहाँ गया वो? फिर दूसरे शहर में उसकी नौकरी लग गई तो वो यहाँ से चला गया। शक्ल याद है उसकी? स्केच बनवा सकते हो? माफ कीजिए, इस बात को काफी समय बीत गया, मुझे उसका चेहरा याद नहीं। कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच मदद करने के लिए। शुक्रिया सर। कहीं ये गड़बड़ उस पेइंग गेस्ट ने तो नहीं की है? हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो पेइंग गेस्ट और ये दोनों बुजुर्ग, इन तीनों ने मिलकर ये जुर्म किया हो, है ना? जरा उस घर में घुसकर देखते हैं। सर बिजली तो बंद है यहाँ की। बिजली का बिल नहीं भरेंगे तो कनेक्शन तो काटेंगे। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, ये जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है दया, हो सकता है हाथापाई भी हुई हो। सर कहीं उस पति पत्नी और किराएदार ने मिलकर रितेन को अगवा कर यहीं तो नहीं रखा होगा? हो सकता है। काम करो, घर का कोना कोना छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। रजत, किराए पे देने का अग्रीमेंट भी मिलता है क्या? देखो मिलेगी सर, ये पैसे और ये गहने छोड़ के गए बेडरूम में। पैसे और गहने छोड़ के गए? अगर उन लोग को भागना ही था तो फिर ये गहने और पैसे छोड़कर कैसे गए? दया मुझे तो लगता है कुछ ना कुछ तो चक्कर जरूर है, कोई अलग ही चक्कर। सर हाँ, मिला अग्रीमेंट? नहीं सर, हर जगह अच्छी तरह चेक कर लिया, अग्रीमेंट पेपर कहीं पे भी नहीं मिला। तो ये एक काम करो, इस ब्रोकर को ढूंढो, पता लगाओ है कौन ये ब्रोकर जिसने ये घर किराए पे लगवाया था। दया पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसे लग रहा है कि इस घर के पिछले हिस्से में जो गार्डन जैसे जगह है ना, वहां पर कुछ ना कुछ तो राज छुपा है, चलकर देखते हैं। हेलो, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रजत बोल रहा हूँ सीआईडी से। मुझे पुणे के गिरधारी नगर इलाके के सभी रियल एस्टेट एजेंट्स के नंबर चाहिए। जी एसएमएस भेज दीजिए।
थैंक यू। देखो फावड़ा ये अंदर फेंका हुआ था, एकदम अंदर। क्यों? आसपास कोई खुदाई का काम हुआ क्या? हो सकता है। ये क्या है? तो सफेद बाल है, किसी औरत के लगते हैं। कहीं ये उस बुजुर्ग औरत का तो बाल नहीं? हो सकता सर। देखो जरा अच्छी तरह से, शायद कुछ खुद काम हुआ होगा यहाँ पर। देखो अच्छी तरह से। सर ये देखिए सर, इस मिट्टी को देख के लगता है यहाँ खुदाई का कुछ काम हुआ है। अच्छा, अगर खुदा हुआ लगता है तो फिर कुछ गड़ा भी होगा। देखो जरा खोद के देखो अच्छी तरह से। संभल क्या? पहले गुण के हिसाब से ऐसा लगता है कि यह मुर्दा किसी आदमी का है और वो किसी औरत की। कहीं ये दोनों कंकाल उन बुजुर्ग पति पत्नी के तो नहीं? और दया, अगर हमने ये मान भी लिया कि ये दोनों कंकाल उन दोनों के हैं, तो फिर इन्हें किसने मारा और रितेन को किसने गायब किया? हम तो ये सोचकर चल रहे थे कि शायद ये दोनों भी उस जुर्म में शामिल है। काम करो, दोनों कंकाल फोरेंसिक लैब में भेज दो। सारुण के बताएगा कि उन दोनों के कंकाल है या नहीं। अरे सारुण के, तू क्या कर रहा है यहाँ? हाँ, मैं यहाँ मक्खी मच्छर मार रहा हूँ आप लोगों के इंतजार में, आपके ब्यूरो में। सर हमारे ब्यूरो में मक्खियाँ हो ही नहीं सकती, ये मच्छर मक्खियाँ भी डरते हैं सीआईडी ब्यूरो में घुसने से। हाँ समझा, चल बता। बस वो दो कंकाल गड़े हुए मिले थे आप लोगों को उस बंगले में, वो दोनों सीनियर सिटीजन्स के, 70-80 साल की उम्र है इन दोनों। दोनों के गले की हड्डियां टूटी हुई? हाँ, दोनों को गला दबा कर मारा गया। सीनियर सिटीजन्स की इस तरह से मौत, ये हो क्या रहा है हमारे देश में? सर वो बुजुर्ग पति पत्नी के घर जो लड़का किराए पे रह रहा था उसके बारे में पता चल गया है। अच्छा, कौन है वो? सर ये किराए का अग्रीमेंट। ये है वो जिसने ये सब कुछ किया है। हेलो, मुझे तुमसे मिलना है। नहीं, मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकती, मुझे आज ही मिलना है। हाँ अभी, राइट। सुनो, मैं त्रिशना रोड पे तुम्हारा वेट करूंगी, जल्दी आओ। ओके, या बाय। लगता है उसी की गाड़ी है।
इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तुम अच्छी तरह जानती हो अगर सीआईडी वालों ने हमें एक साथ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मैं जानती हूँ लेकिन मुसीबत तो आ चुकी रितेन जी, हम तो तुम्हें बहुत पहले से ही देख चुके हैं। इतना बड़ा धोखा, तुम फंस गए तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम अकेले चले जाती जेल। मेरा यकीन करो, मैंने इन्हें यहाँ पे नहीं बुलाया। रितेन मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात तो सुनो। इस लड़की को छोड़ो मत। यस सर। अभिजीत, जितने नजदीक जा सके उतने लिए ना। इसका टायर ही पंचर करता हूं। जा रहे हो बाबू? सीआईडी से भाग रहे? भागने का मेडल तो लेते जा। मैंने ये सब किया सिर्फ और सिर्फ मिताली की दौलत पाने के लिए। पैसे पाने के लिए तुमने खून किया, अपने किडनैपिंग का नाटक रचाया, और स्निग्धा तुमने इन सारे कर्मों में इसका साथ दिया है ना? मैंने रितेन से कहा था कि मिताली के प्यार का फायदा उठाकर उसकी दौलत हथिया ले, पर हमें क्या पता था कि वो बेवकूफ कुरियर कंपनी वाले हमारा सारा भांडा फोड़ देंगे। मिताली को फंसाने की कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने। कुरियर कंपनी गई, मिताली जैसा नाखून बनाया, नहीं लाख बेचारी मिताली, फंसा दिया उसे तुम लोगों ने। हाँ, हमने सोचा था कि अगर कभी तहकीकात हुई तो सारे सबूत मिताली की तरफ जाएंगे, हम पर कोई शक भी नहीं कर पाएगा। और रितेन, तुम्हें पता था कि मिताली तुमसे इतना प्यार करती थी कि तुम्हें बचाने के लिए सारा पैसा पानी जैसे बहा देती। हाँ, और मैं ये भी जानता था कि ये बात वो किसी को कहेगी नहीं, क्योंकि समाज उसे रणबीर की पत्नी की नजर से देखता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें किसी के प्यार और भावनाओं के साथ इस तरह खिलवाड़ करते हुए। रितेन, तुम्हारी तो सारी उंगलियां ठीक ठाक है, फिर वो किसकी उंगली थी कटी हुई जो पार्सल में भेजी थी? पता नहीं सर वो कौन था। रात को सुनसान सड़क पे वो जा रहा था, मैंने उसे पकड़ लिया और उसकी उंगली काट दी, और फिर उसे मारकर उसकी लाश जंगल में दफना दी। बेचारा डायबिटीज का मरीज था, बेमौत मारा गया। मैंने भी आपसे इसलिए झूठ कहा कि रितेन को डायबिटीज है, ताकि आप इसे मरा हुआ समझ कर इसकी तलाश करना बंद कर दे। हाँ, लेकिन वो किराए का अग्रीमेंट लग गया हमारे हाथों, उसी से हमें पता चल गया कि रितेन पुणे में रह रहा है पेइंग गेस्ट बनकर। तुमने उन बूढ़े पति पत्नी को भी मार दिया जिन्होंने तुम्हें सर छुपाने की जगह दी थी। मिताली से पैसे लेकर मैं पुणे वाले घर गया था, क्योंकि वही एक ऐसी सुरक्षित जगह थी जहाँ मुझे कोई पकड़ नहीं सकता था। लेकिन अफसोस, उन्होंने मुझे फोन पे बात करते हुए सुन लिया और उन्हें सब पता चल गया, और इसीलिए तुमने उन दोनों को भी मार दिया। क्या करता, मैं डर गया और मुझे लगा कि मेरा बनाए बनाया खेल बिगड़ जाएगा। रितेन और स्निग्धा, पैसों के लालच में तुम लोगों ने तीन तीन मासूम लोगों की जानें ली, तुम दोनों को तो फांसी ही होगी, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।